हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर एलआईसी विद अशोक कुमार के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्लान लेकर आया हूं। अगर आप एलआईसी का प्लान लेना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बजट में है, छोटा सा प्रीमियम है। रोज का आप 60 रुपये बचाइए और गारंटीड रिटर्न जो 8.5% के करीब होगा आपका। अगर हम पूरा टेन्योर दिखाएंगे, हम आपको प्लान पूरा दिखाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे प्लान है। और इसमें आप समझिए कि रोज का 60 रुपये बचाइए, 5वें साल पे 20,000, 10वें साल पे 20,000, 15वें साल पे 20,000, 16वें साल, 17वें साल, 18वें साल, 19वें साल 72,000 रुपये और 20वें साल पे 1,13,000 रुपये दोबारा। इसके साथ आपको इंश्योरेंस भी फ्री मिलेगा, लोन की फैसिलिटी भी आपके पास है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप LIC एडवाइजर हैं, एजेंट्स हैं और अपने बिजनेस में टारगेट 90 जो मैंने पहले MDRT का टारगेट दिया हुआ है वहां पर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए अपने इस टारगेट 90 के लिए MDRT। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देर किए इस प्लान को समझाते हैं। अगर आप LIC प्लान लेना चाहते हैं तो ये जरूर लीजिए, ये छोटा सा बजट में प्लान है और धीरे धीरे आपका पैसा सेव भी हो जाएगा और रिटर्न्स भी अगले 5वें साल 10वें साल पे आते रहेगा, तो आपके लिए एक पता भी नहीं चलेगा और एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया सा हो जाएगा जिसका एवरेज रिटर्न निकालोगे तो 8% से ऊपर है। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको और बात बता दूं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस LIC के एजेंट हैं और आप अपना और बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं दूसरे सेगमेंट में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और सारी चीज़ों का आप इंश्योरेंस भी अपने साथ करना चाहते हैं जो आपको पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसमें पूरा हेल्प करूंगा आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट वगैरह खोलना चाहते हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं ये प्लान जिसमें 60 रुपये बचाएं और पाए टैक्स फ्री रिटर्न 5वें 10वें 15वें, उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20वें साल पे 1,13,000 रुपये कैसे मिलेगा और इसके साथ क्या बेनिफिट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ क्या है, यील्ड और इन्वेस्टमेंट क्या है, 8.77, यानी जो आप पैसा लगा रहे हैं उसका रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, 8.77, 8.5% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर यहाँ पर आने वाले 15-20 साल तक भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 8.5% का रिटर्न बैंक भी आपको नहीं दे रहा है और आने वाले समय में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी गिर जाना है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी मिल रहा है, इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपका बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। अब हम देख लेते हैं इस प्लान में आपके पास क्या रिस्क कवरेज और क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी की एज 30 साल है, आप जब एज ऊपर नीचे होगा तो प्रीमियम में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो मैंने ये प्लान जो बनाया हुआ है 30 साल के आदमी के लिए बनाया हुआ है, हो सकता है आपकी एज 27 हो सकता है आपकी एज 35 हो, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्लान लेना है तो आप कनेक्ट कर लीजिए या अपने एडवाइजर से बात कीजिए। अगर आपका कोई एडवाइजर नहीं है तो हमें कनेक्ट कीजिए, मैं ऑनलाइन आपकी पॉलिसीज में पूरा हेल्प करूंगा। अब हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र है और उनको ये प्लान लेना है तो उसमें हमें क्या मिलेगा। जैसे 30 साल पे पॉलिसी लिया तो इमीडिएट 3 लाख का रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल। अगर भगवान ना करे कोई नॉर्मली कोई बात हो जाती है तो उनको 3 लाख रुपये इमीडिएट मिलता है, लेकिन अगले साल क्योंकि बोनस बढ़ जाता है तो 3,36,300 का नॉर्मल रिस्क कवरेज होता है। उसी तरह से ये बढ़ते जाता है, हर साल बढ़ते रहता है, ठीक है। उसके बाद 3 लाख तो नॉर्मल रिस्क कवरेज हो गया, लेकिन अगर अचानक से कोई एक्सीडेंटली मिस हैपनिंग हो जाता है तो उस केस में वो पैसा डबल हो जाता है, तो 6,36,000। और जिस तरह से आपका प्लान बढ़ते जाएगा आपका इंश्योरेंस भी बढ़ते रहेगा। उसके साथ जो मैंने बोला कि आपको लोन भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 साल के बाद आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोन भी आपको ये मिल सकता है बहुत कम ब्याज पर, सस्ते रेट पर और बिना कोई डॉक्यूमेंटेशंस के बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बोला आपको कि 5वें साल पे आपको 20,000 रुपये बचेगा मिलेगा, ये है ना, 20,000 रुपये आपको 5वें साल पे मिला। अब रही बात कि आप सोच रहे होंगे कि प्रीमियम हमारा कितना है रेगुलर के, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ।
अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है फर्स्ट ईयर 21638, ठीक है। इसको अगर आप 365 से डिवाइड करते हैं तो 59 रुपीज, यानी 60 रुपये से भी नीचे, मैं तो 60 रुपये बोल रहा हूँ, 60 रुपये से भी कम अगले साल से प्रीमियम हो जाएगा 21172, क्योंकि टैक्स कम हो जाता है, तो उसमें आपका कितना प्रीमियम होगा 58 रुपये, यानी 60 रुपये से भी कम रोज का बचाइए। आप कोई भी काम करते हैं, छोटा सा काम, बड़ा सा काम, कैसा भी काम, तो आप अपने बजट में इस प्लान को ले सकते हैं। पाँचवें साल पे 20,000 रुपये आ जाएगा, फिर 10वें साल पे 20,000 आ जाएगा, यहाँ पर 15वें साल पे भी 20,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब इस प्लान में जब आपको 16वें साल पे आपको क्या मिल रहा है, 3,29,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो 3,29,000 एक बार ले लीजिए, नहीं तो इसको आप, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन है, तो ये मैच्योरिटी सेटलमेंट अगले 5 साल के लिए हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, ये यहाँ से लेकर 5 साल आपको अमाउंट जो मैंने बताया 72,000 का जो अमाउंट है 72,167, ये आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4 पूरे यहाँ पर। और फिर जो अगला अमाउंट है जो मैंने आपको बोला कि 1,13,000 रुपये, ये यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। इस तरह से ये प्लान आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब आप एडवाइजर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इस प्लान की कॉम्बिनेशन क्या है। तो प्लान का कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लान लिया हुआ है 920, यानी मनी बैक प्लान 20 साल के लिए, जिसमें केवल 15 साल पेमेंट करना है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर केवल 15 साल की पॉलिसी है, केवल 15 साल ही पेमेंट करना है, और आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 15 साल पेमेंट कीजिए जो मनी बैक है, तो यहाँ से मनी बैक से आपको पैसे 20,000 करके आते रहेंगे। दूसरा उसके साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है 16 साल का न्यू एंडोमेंट प्लान, ठीक है। आप इसको 15 साल भी कर सकते हैं, लेकिन 16 साल रखेंगे तो हमने पूरा एक 15 से लेकर 20 तक का पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो वहां तक आपका चलते रहेगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा 914 यानी न्यू एंडोमेंट प्लान जो है 2,00,000 रुपये का लिया हुआ है, और मनी बैक 1,00,000 रुपये का। तो इस तरह से 3,00,000 रुपये का प्लान हो गया। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर GST के साथ देख लीजिए, ये GST लगता है। और उसी तरह से अगर हम सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शंस भी दिया हुआ है। दोनों में सेटलमेंट ऑप्शन है, लेकिन मैं केवल सेटलमेंट आपको न्यू एंडोमेंट में लिया है, तो यहाँ पर आप न्यू एंडोमेंट में सेटलमेंट ले लीजिए। और प्रीमियम अगर डेली की बात करें तो 59 रुपये 29 पैसे आ रहा है, तो बहुत ही छोटा सा प्लान है। इसमें किसी भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिसी आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे पूरा का पूरा ही सेटलमेंट ऑप्शन में चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं 5वें साल पे 20,000, 10वें साल पे 20,000, 15वें साल पे 20,000, 16, 17, 18, 19 पे 72,000 रुपये, 20वें साल पे 96,000 रुपीज़, 21वें साल पे फिर से 24,000, 22वें साल पे फिर 24,000, 23वें साल पे 24,000, 25वें साल पे 24,000, और इस तरह से आप इस प्लान को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, जिसका अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट पोस्ट टैक्स निकालेंगे तो 8.5% से ज़्यादा, यानी 8.77% का रिटर्न्स आपको मिलता है इस प्लान में। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप प्लान कीजिए और अपने क्लाइंट का बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके उनको आप एक बेहतरीन रिटर्न्स दीजिए और उनकी एक सेफ्टी दीजिए। चाहे छोटा सा क्लाइंट क्यों ना हो, आप वैसे प्लान करेंगे तो आपका जो टारगेट 90 है वो भी बढ़िया तरीके से होगा, और क्लाइंट के लिए भी फायदे ही फायदे हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो लाइक्स अगर 5,000 से ऊपर आ जाती हैं तो मैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पैसे देकर आप सीखते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं सब कुछ आपको फ्री में सिखाने को तैयार हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल पर तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और हमारे जितने भी क्लब्स हैं उसमें आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, क्या दिक्कतें आती हैं, सब मैं आपको पर्सनली समझाने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।